अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्यों विद नाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमारे चैनल क्यों विद नाज़नी के साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें और टाइमली वीडियोज़ नोटिफिकेशन की हासिल करने के लिए हमारी जो उनसे चैनल के बेल बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वे चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की रेसिपी का जो है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। तो आज की जो सी रेसिपी है वो है हमारी रमज़ान स्पेशल है, क्योंकि रमज़ान में होता है कि ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया जाता, बिल्कुल लाइट सा खाना खाना होता है। तो ये होता है कि हेल्दी भी हो, लाइट भी हो, हाइजेनिक भी हो, तो क्या बनाएँ। इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सब पॉइंट्स को हम लोगों ने आज सोचा कि आप लोगों के साथ हम जो सी मैक्रोनी की जो सी वीडियोज़ को शेयर करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो तरह की ली हैं, एक ये शेप की है, ठीक है, और एक ये शेप की है। मतलब दो तरह की हम लोगों ने जौन सी हैं इसके अंदर वो माइक्रोनी यूज़ की हैं। इसके अलावा एल्बो शेप में भी होती है, पास्ता, मतलब काफ़ी सारी डिटेल हैं जो आप लोग देख सकते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक जो ये देखें जी एल्बो, ये तीन तरह की हम लोगों ने ली हैं। आप लोग अपने बच्चों के पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्रोनी इनको हम लोग बॉयल करेंगे। यहाँ पर है हम लोगों ने बंद गोभी, टमाटर और हम लोगों ने प्याज, और ये हम लोगों ने प्याज बारीक चॉप किया है, ये चिकन है, और ये शिमला मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले हमने जो शुरू करना है अपनी रेसिपी को वो है हमारी मैक्रोनी, इनको हमने करना है बॉईल। तो बॉईल करने का सिंपल तरीका, लेकिन अपने वो लोग जो न्यू बिगनर्स हैं या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं जिनको कुछ भी नहीं पता रेसिपी का, उनके लिए हम लोग वो भी दिखा देते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ और आपको दिखाते हैं। बस यहाँ पे पानी हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा डोसा और नमक डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, और थोड़ा सा हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करें ताकि जो हमारी मैक्रोनीज है वो आपस में चिपक ना जाए। थोड़ा सा हम लोगों ने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी को हम लोगों ने बॉईल करना है और उसके बाद जो सी हमारी मैक्रोनी है उसको हम लोगों ने इसमें शामिल करना है। तो वो भी हम लोग डालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि जो मैक्रोनी हम लोगों ने रखी थी वो देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। ये है उसका लुक, आप ये देख लें, सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम लोग जो सा है इसको वो निचोड़ लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स जो सी मैक्रोनी है वो हम लोगों ने निचोड़ के रख दी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे वही एक दरमियाने साइज का प्याज जो वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था हम लोगों ने रख दिया है। कुकिंग ऑयल हम लोगों ने शामिल किया, लाइट कलर देना, उसके बाद लहसुन और टमाटर हम लोग डालेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। स्पाइसेस आप लोग कह रहे होंगे कि नहीं बताए कि कौन से हम लोग शामिल करेंगे, वो इसलिए नहीं बताए कि वो लोग जो वीडियो को पूरा देखेंगे वही जान सकेंगे हमारी रेसिपी के स्पाइसिस के बारे में। तो इसीलिए हम लोग करते हैं वेट और आप लोगों को दोबारा जो होता है वो स्पाइसेस के बारे में बताते हैं। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि प्याज हम लोगों ने लाइट कलर के किए हैं और अब हम जो होता है इसके अंदर वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। हाफ टेबल स्पून जो होता है लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही हम लोग चिकन और जो टमाटर वगैरह शुरू में हमें दिखाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। और सब कुछ इसको हम लोगों ने भूना था, तो इसका गोश्त का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो इसको भूनते फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कितने अच्छे से जौन सा है हम लोगों ने वो भून लिया है और खुशबू भी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छा और बहुत आला आ रही है। तो अब टाइम है स्पाइसेज ऐड करने का। तो अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आलमोस्ट 1 टेबल स्पून जौन सा वो नमक शामिल कर रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून जौन सा है वो मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ और 1/2 टेबल स्पून ही जौन सी है रेड पेपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सब चीज़ें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ। और हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 पिंचेस है वो ज़ीरा शामिल करना है और ये है दादरी मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया वो स्पाइसेस जो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करने, इसके अलावा कोई और हम लोगों ने स्पाइस जो होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पानी डाल के हम उसको भून लेते हैं एक बार अच्छे से तमाम तरह से हमारे स्पाइसेस हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोगों ने शामिल करनी है सब्ज़ियाँ। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि रमज़ान आने वाले हैं, तो दिल नहीं करता कितना हैवी खाए, क्योंकि सहरी भी करनी होती है और अफ्तारी में इतना अगर हैवी खा लेंगे तो फिर वो अजीब सा एक रूटीन नहीं होती शुरू शुरू में,
तो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है खाने पीने के हवाले से, भी दिल नहीं करता इतना। तो इसलिए ये जोंसिस चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी कुकिंग विद मार्जिन में आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक देनी है। अच्छा, चिकन को अच्छे से भून लिया मैंने और आप लोगों के सामने कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब जो से प्याज मैंने आप लोगों को दिखाए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुँह में चम्मच डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख देते हैं, इसके बाद डालेंगे हम लोग बंद गोभी और स्टेप बाई स्टेप आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, चिकन पक रहा है, प्याज हम लोगों ने डाल दी है, अब इसी स्टेज पे जो सी बंद गोभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हम लोगों ने इसके अंदर डाल दी है। इसको भी ऐसे ही 2 मिनट हम लोग पकाएंगे क्योंकि लास्ट पे हम लोगों ने शिमला मिर्च शामिल करनी है। शिमला मिर्च तो आप लोगों को पता है कि जल्दी हो जाती है, तो बंद गोभी भी मैंने शामिल कर दी है, चिकन भी और प्याज भी, और ये डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों ने कौन कौन सी सब्ज़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है। तो इसको ऐसे ही हम लोग 2 मिनट पर लगाते हैं दम और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्सर तैयार हो गया और अब हम इसके अंदर जो से मैक्रोनी डाल रहे हैं, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको थोड़ी देर पकाने के बाद हम लोग जो इसके अंदर चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो ऐड करेंगे। तो माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कलर तो बहुत अच्छा आ गया है। तो थोड़ी देर इसको पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोया सॉस और चिली सॉस हम लोगों ने डाल दिया, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और थोड़ी देर पकाने के बाद करते हैं इसको डिश आउट और फिर आपको दिखाते हैं। देखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त जो सी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की रेसिपी हो गई है हमारी तैयार। इसको करते हैं डिश आउट और मैं इसका वो करती हूँ टेस्ट आप लोगों के सामने और बताती हूँ आपको कि इतनी मेहनत के बाद जो मैंने रमज़ान फ्रेश रेसिपी शेयर की है वो कैसे तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह चिकन भी जो है वो भी गल गया है और मैक्रोनी भी गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो प्याज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कभी नाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फिर देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।